अबरूल पुष्पा का। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म के पीछे साउथ सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर एसएस राजामौली सर का हाथ है, और साथ ही में केजीएफ चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म के पीछे परसानील सर का हाथ है, जो अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाता है, जिसे देखने के लिए फैंस लोग मजबूर हो जाते हैं फिल्म को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम साउथ सिनेमा के 10 सबसे बड़े डायरेक्टर की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आने वाले टाइम में साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे भारत में तबाही मचाने वाला है अपने बेहतरीन डायरेक्शन से। तो साउथ सिनेमा के कौन कौन सा डायरेक्टर होने वाला है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखना होगा। तो चलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके करते हैं स्टार्ट। ओके सर। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 10 पर है सुकुमार सर, और सुकुमार सर तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसका अंदाजा आप लोग इसी से लगा सकते हो। पुष्पा जैसी बड़ी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था अल्लू अर्जुन जैसे बड़े एक्टर के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे सुकुमार सर तेलुगु इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो सुकुमार सर का जो फिल्म आ रहा है वो है पुष्पा 2, और पुष्पा 2 एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर अल्लू अर्जुन इस बार पुष्पा भाव के साथ साथ और एक लुक में नजर आएंगे, वो भी काफी खतरनाक लुक में। जी हाँ दोस्तों, और साथ में पुष्पा भाव के साथ श्रीवल्ली जो की डीडोल में नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में नेगेटिव रोल में एसपी भानवर सिंह दिखाई देंगे, वो भी पुलिस ऑफिसर के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह का कैमरा रोल भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही में पृथ्वीराज सुकुमारन और जगोती बाबू सपोर्टिंग रोल में नजर आ सकता है। इसके अलावा पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सुकुमार सर का कहना है कि ये फिल्म 3 पार्टों में बनाने वाले हैं, जिसका ये दूसरा पार्ट होने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म की बजट की बात करते हुए फिल्म 500 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 15 अगस्त 2024 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड वाइड लेवल पर। अबरूल पुष्पा का। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 9 पर है ऋषभ शेट्टी, और ऋषभ शेट्टी कनाडा इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ शेट्टी की लास्ट फिल्म आई थी कांतारा, जिसने बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दिया था 450 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके। तो आप समझ ही गए होंगे ऋषभ शेट्टी की डायरेक्शन कितनी खतरनाक लेवल का होता है। तो ऋषभ शेट्टी की जो फिल्म आ रही है वो है कांतारा चैप्टर 2, और कांतारा चैप्टर 2 एक माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर ऋषभ शेट्टी दिखाई देंगे, वो भी काफी खतरनाक लुक में। यहाँ दोस्तों, आप तो जानते हो कांतारा चैप्टर 1 लोगों को कितना ज्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 2 को भी बना रहे हैं, जिसका एक छोटा सा टीजर अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि ये फिल्म काफी खतरनाक लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसे हम लोग 2024 में देख पाएंगे, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 8 पर है शिवा सर, और शिवा सर तमिल इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से विवेकम और वेदलम जैसी बेहतरीन फिल्म पहले भी बना चुका है थलादित जैसे बड़े एक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, ये फिल्म शिवा सर की पहली पैन इंडियन वर्ल्ड वाइड फिल्म होने वाला है, जिसे सूर्या सर के साथ बना रहे कंगूबा के नाम से। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सूर्या सर जो की काफी खतरनाक लुक में नजर आएंगे, और साथ में सूर्या सर के साथ दिशा पठानी जो की डीडोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है की इस फिल्म में नेगेटिव रोल में अभिदल दिखाई देंगे, वो भी काफी खतरनाक लुक में। और आपको बता दूं, इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 11 अप्रैल 2024 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड वाइड लेवल पर। क्या बात है। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 7 पर है कोटाला शिवा सर, और कोटाला शिवा सर तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर में से एक है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। कोटाला शिवा सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से जनता गणेश जैसी बेहतरीन फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, कोटाला शिवा सर की जो फिल्म आ रही है वो है एंटेड 30, और एंटेड 30 एक एक्शन गैंगस्टर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर जूनियर एंटर जो की गैंगस्टर के किरदार में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में जूनियर एंटर के साथ जानवी कपूर दिखाई देंगे। इसके अलावा इस फिल्म में सैफ अली खान जो की नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म जूनियर एंटर की पहली सोलो पैन इंडियन फिल्म होने वाला है, जिसे डायरेक्टर कोटाला शिवा सर 300 करोड़ के बजट में बना रहा है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 5 अप्रैल 2024 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड वाइड लेवल पर।
उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 6 पर है संदीप रेड्डी बंगा। और संदीप रेड्डी बंगा तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक माना जाता है, जो अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से फिल्म के अंदर तबाही मचा देता है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। हाल ही में एनिमल जैसी बड़ी फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया था अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से। तो आप समझ ही गए होंगे संदीप रेड्डी बंगा का डायरेक्शन कितनी खतरनाक लेवल का होता है। तो संदीप रेड्डी बंगा का जो फिल्म आ रहा है वो है स्प्रिट, और स्प्रिट एक एक्शन वायलेंस गैंगस्टर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर प्रभास जो की एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, वो भी वायलेंस करते हुए। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को संदीप रेड्डी बंगा सर एनिमल से भी काफी बड़े लेवल पर बनाने वाले है, जिसका शूटिंग 2024 से ही चालू करने वाले है बंगा सर प्रभास के साथ। इसके अलावा संदीप रेड्डी बंगा का कहना है कि इस फिल्म में प्रभास के साथ शायद एनिमल भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा संदीप रेड्डी बंगा का कहना है कि इस फिल्म के बजट कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए का होने वाला है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के साथ, जिसे हम लोग 2024 के लास्ट या 2025 तक के अंदर देख पाएंगे, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पर जो डायरेक्टर है वो है अथली कुमार। और अथली कुमार तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसका अंदाजा आप लोग इजी से लगा सकते हो कि अथली कुमार अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर अथली कुमार सर की हाल ही में आई जवान, जिसने 1100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी बॉक्स ऑफिस में। तो आप समझ ही गए होंगे अथली कुमार तमिल इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो अथली कुमार की जो फिल्म आ रही है वो है शाहरुख खान और थलापति विजय के बीच एक कॉन्टिनेंटल फिल्म, और ये फिल्म भी एक एक्शन मार्शल फिल्म होने वाली है जवान फिल्म की तरह, जिसके अंदर शाहरुख खान और विजय जोगी लीड रोल में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म का अनाउंसमेंट डायरेक्टर अथली कुमार सर अगले साल करने वाले हैं, क्योंकि अथली कुमार सर इस फिल्म की स्टोरी लिखने में बिजी है, जिसके कारण इस फिल्म का अनाउंसमेंट अगले साल करने वाले है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म का भी टारगेट है बॉक्स ऑफिस में 2000 से 3000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना, वो भी पूरे देश में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर साउथ और बॉलीवुड के दो सबसे बड़े एक्टर एक्शन नजर आने वाला है, जिसके कारण अथली कुमार सर एक इंटरव्यू में पहले बता दिया कि यह फिल्म आसानी से 2000 से 3000 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाला है, जिसे हम लोग 2025 तक के अंदर देख पाएंगे, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के नंबर 3 पर जो डायरेक्टर है वो है लोकेश सर। और लोकेश सर भी तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसका अंदाजा आप लोग इजी से लगा सकते हो। लोकेश सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हां दोस्तों, लोकेश सर के हाल ही में आई लियो, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड बना दिया 148 करोड़ रुपए का ओपनिंग करके। जी हां दोस्तों, लियो फिल्म ने टोटल कमाई 500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ ही गए होंगे लोकेश सर कितने बड़े डायरेक्टर है तमिल इंडस्ट्री के। जी हां दोस्तों, लोकेश सर की जो नेक्स्ट फिल्म वाली है रजनीकांत सर के साथ, वो भी थलाइवर 171। और ये फिल्म एक एक्शन गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर रजनीकांत सर जो की लीड रोल में नजर आएंगे। और रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म के विलेन के लिए राघव लॉरेंस को अप्रोच किया जा रहा है। इसके अलावा इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है लोकेश सर और रजनीकांत सर द्वारा। और आपको बता दूं, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाला है, वो भी पूरे देश में। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2024 तक के अंदर ही, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पर जो डायरेक्टर है वो है परसन नील सर। और परसन नील सर कन्नड़ इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, परसन नील सर की जो लास्ट फिल्म आई थी वो था KGF चैप्टर 2, जिसने बॉक्स ऑफिस में 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर परसन नील सर कन्नड़ इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो डायरेक्टर परसन नील सर की जो फिल्म आ रही है वो है शालार। और शालार एक एक्शन वायलेंस गैंगस्टर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर प्रभास जो की बैलेंस करते हुए नजर आने वाला है। और साथ में श्रुति हसन के अलावा जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जो की गैंगस्टर के किरदार में नजर आने वाला है। और आपको बता दूं, इस फिल्म को डायरेक्टर परसन नील सर काफी खतरनाक लेवल के बैलेंस के साथ बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म के इंटरवल के टाइम हमें रॉकी भाई का कैमरा रोल भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म का हाइप इतना ज्यादा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकता है, वो भी पूरे देश में। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 22 दिसंबर 2023 को, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर जो डायरेक्टर है वो है एसएस राजामौली सर। और एसएस राजामौली सर तेलुगु इंडस्ट्री के अलावा इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है इंडियन सिनेमा में। जी हाँ दोस्तों, एसएस राजामौली सर की लास्ट फिल्म आई थी त्रिपालार, जिसने 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस में। तो आप समझ ही गए होंगे एसएस राजामौली सर तेलुगु इंडस्ट्री के अलावा इंडियन सिनेमा के कितने बड़े डायरेक्टर है। तो एसएस राजामौली सर की जो फिल्म आ रही है वो है SSMB 29। और एसएस
में 29 एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर महेश बाबू और दीपिका पादुकोण जो कि लीड रोल में नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म में थॉर भी नजर आएंगे, वो भी विलेन के किरदार में। और आपको बता दूं, इस फिल्म को एसएस राजामौली सर काफी बड़े लेवल पर बना रहा है, जिनकी बजट कम से कम 800 से 1000 करोड़ रुपए के बीच होने वाला है, वो भी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। जी हां दोस्तों, एसएस राजामौली सर का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 2000 से 3000 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाला है, वो भी पूरे देश में। बट इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा शायद 2025 तक के अंदर, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर। तो यही थी साउथ सिनेमा के 10 सबसे बड़े पैन इंडियन डायरेक्टर। तो आप लोगों का इनमें से कौन सा साउथ डायरेक्टर की आने वाली मूवीज देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा यदि आप मेरा रोस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, तो प्लीज वीडियो को भी एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।